मैं डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव शासकीय महिला पॉलिटेक्निक में मैं यहाँ लेक्चरर हूँ और एमपी सिल्क फेडरेशन लिमिटेड के लिए हमने जो सिल्क प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करे हैं हमारे कॉलेज के 5 मेंटर्स हैं डॉक्टर आराधना हंस, डॉक्टर अंजू चौरसिया, आरती लाड मैडम, मैं और डॉक्टर सुषमा गोखले। हम 5 मेंटर्स ने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करे हैं जिसमें मैंने ये डिज़ाइन करी है साड़ी विच इज़ नोन एज अमृता प्रीतम साड़ी। और इस साड़ी की खासियत यह है कि अमृता प्रीतम की पंजाबी शीर फेमस पंजाबी पोएट और उनकी पोएट्री जो है जो उन्होंने इमरोज़ के लिए लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी, ये लाइंस जो हैं उन्होंने अपनी डेथ बेड पे बोली थी और उसका मतलब ये था कि वो इमरोज़ से इतना प्यार करती थी कि उनसे वो मिलना चाहती थी आफ्टर हर डेथ। तो इसमें मैंने देखिएगा आप अर्धनारीश्वर थीम को लेके चला है मैंने और ये मैंने पहले पेंच किया है अर्धनारीश्वर, उसके बाद मैंने अमृता प्रीतम की लाइंस लिखी हैं कि मैं तेनु फिर मिलांगी और किस प्रकार से कैनवस की लाइंस में उनकी भेंट होगी इमरोज से। नीचे मैंने टैसल्स लगाए हैं, ये जो ऊपर का अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है ये मैंने पेंट किया है। नीचे की जो पंजाबी पोएट्री की लाइंस है ये हमारी आर्टिस्ट है पलक शुक्ला, शी इज़ डेफ एंड डम, उन्होंने इसको पेंट किया है। और ये साड़ी मैंने रंग मल्हार बुटीक कोलार रोड जो पे जो है जिसकी ओनर है भावना माथुर उनके साथ में मिलके मैंने इस साड़ी को, वो हमारी TBI हैं दैट इज़ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंटीग्रेटर, मैं मेंटर हूँ, डिज़ाइनर हूँ और साथ में मैंने एक आर्टिस्ट को भी लिया है इसमें। तो इस बेसिकली इस साड़ी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इमोर्टलाइज करा है इटर्नल लव को जो किसी मृत्यु का मोहताज नहीं है, जो आगे भी चलेगा। जिस प्रकार से आर्ट जो है इमॉर्टल होता है इसी प्रकार से आपकी पेंटिंग को भी हमने इस तरीके से फैब्रिक पे ला के उसको इमॉर्टलाइज करने की कोशिश की। थैंक यू। ये थोड़ा सा जो एग्जीबिशन जो चल रहा है थोड़ा एग्जीबिशन के बारे में बताइए कि कौन सा एग्जीबिशन और कब से शुरू हुआ ये? जी ये 5 दिन से चल रहा है ये एग्जीबिशन और अराउंड 3 महीने से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इस सिल्क प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये कपड़ा हमको प्राकृत द्वारा दिया गया है और एमपी सिल्क फेडरेशन जो है इसके साथ हमारे कॉलेज का महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का MOU हुआ है और उस MOU के तहत ये हम लोगों को ये प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें हम 5 मेंटर्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके और TBIs यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंटीग्रेटर्स के साथ मिलके हमने ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये इतनी सारी रेंज डेवलप करी है जिसमें एपरल्स भी आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे फर्नीचर आइटम्स भी आ जाते हैं और व्हाट नॉट, मतलब ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो हमारे बच्चों ने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करी है। फाइल कवर्स से लेके आपके ब्लाउजेस एंड रेडीमेड रेडी टू वेयर साड़ीज और कुशन कवर्स ये पूरी रेंज डेवलप करी है हमारे स्टूडेंट्स ने। ये अमृता प्रीतम वाली साड़ी को कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? इसको बनाने में देखिए पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ा कि हम किस प्रकार से इसको पोर्ट्रे करना चाहेंगे क्योंकि मेरी इच्छा थी कि किसी पोएट्री मोटिफ पे मैं काम करूँ और इस पहले तो हमने इस मोटिफ को चूज़ करा, फिर हमने इसको इसकी लाइंस जो हैं उसको किस तरीके से लिखना है, कैसा कलर कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें, जो किस प्रकार से बॉर्डर पे हमको काम करना है और फिर अर्धनारीश्वर थीम को हम लेके आए क्योंकि अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट ये है कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो एक ही हैं, उनको अलग नहीं करा जा सकता, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक स्त्री और एक पुरुष रहता है और इस तरीके से हमको इस ये मौका मिला कि हम इस प्रकार से ये जो इमॉर्टल पोएट्री है एक ऐसी पोएट्री है। अमृता प्रीतम के बारे में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जानते हैं कि किस प्रकार की उन्होंने अमर प्रेम को चित्रित करती हुई कविताएं लिखी हैं तो उसको हम कोशिश करी है हमने उसको पोर्ट्रे करने की, ये फैब्रिक पेंटिंग के माध्यम से हम किस प्रकार से इस चीज़ को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं और हमको डिज़ाइनर साड़ी बनानी थी तो मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रयास रहा है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया है। कितने दिनों में ये बनकर? ये 2-2.5 महीने क्योंकि ये पेंटिंग भी हुई है पहले, फिर इसमें आपका बॉर्डर वर्क करा है, फिर टैसल्स में हमने काम करा है और फिर अर्धनारीश्वर का जो तैयार होने के बाद पेंट किया है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस है इट्स लाइक यू नो 24,000। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं डॉक्टर आराधना हंस, मैं इंचार्ज HOD हूँ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट। एक्चुअली हमारे कॉलेज में भी इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है जहाँ पे इसी के तहत हमारे यहाँ पे साथ में MOU किया गया है, उसमें उनका जो बेस्ट क्वालिटी सिल्क है उनको यूज़ करते हैं
हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कपड़ों के डिज़ाइन की, इंटीरियर डेकोर की रेंज डेवलप की है, और बेसिकली इंक्यूबेशन मतलब एक आइडिया को नरिश करना, नर्चर करना, तो वही एक प्रोसेस के थ्रू मतलब हमारे स्टूडेंट्स के पास जो आइडियाज़ थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में उसकी मेंटरिंग की है. तो वी वेयर फाइव मेंटर्स, मेंटर फैकल्टीज, और लगभग 100 करीबन बच्चे थे जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मिलकर इस पूरी प्रदर्शनी जितने भी आइटम्स बने उनको बनाए.